सर पे ये केसरी रंग सजाया हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आज की इस परेड का मुख्य आकर्षण है 46वें बैच के 918 आरक्षक प्रशिक्षणार्थी जो कि 10 कंपनियों में विभक्त हैं। परेड QIC द्वारा किले के पीछे से कंपनियों को अपनी अपनी जगह लेने का आदेश दिया गया। इसी के साथ जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, परेड में हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षणार्थी जोश और उमंग के साथ दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध होकर समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में इंस्पेक्शन लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। इस दृश्य को देख बैंड ग्रुप के साथ करमताल का एक सुंदर दृश्य जो प्रदर्शित कर रहा है इनकी सामंजस्य का। QIC द्वारा सभी कंपनियों की कंपनीवार रिपोर्ट ली गई। आज की भव्य परेड के परेड कमांडर आरक्षक प्रशिक्षणार्थी रविंद्र परिहार, परेड की कमान संभालने हेतु परेड की ओर अग्रसर। QIC द्वारा परेड की कमांड परेड कमांडर को सौंपी गई।
कमांडेंट सियासत आरटीसी मुंडली तथा अगुवाई कर रहे हैं उप कमांडेंट प्रशिक्षण श्री सी एल वर्मा। अब पधार रहे हैं खारवेल क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य महोदय श्री गंगा शंकर, उप महानिरीक्षक प्राचार्य खारवेल क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र मुंडली, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं कमांडेंट श्री शंकर राव पायरेटी सीआईएसएफ टीआरटीसी मुंडली। प्राचार्य महोदय साई मंच की ओर अग्रसर। फैनफेयर की धुन संकेत है मान्य मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। The sound of the bugle indicates that our honorable chief guest Dr. Shikhar Sahai, Inspector General, Northeastern Sector 2, Kolkata has just arrived. माननीय परिचारी महोदय द्वारा पुष्प गुच्छ देकर महोदय को सम्मानित किया गया। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परिचारी महोदय श्री गंगा शंकर की अगुवाई में सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दी एवं परेड निरीक्षण का आग्रह किया। मुख्य अतिथि महोदय ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शिखर सहाय महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी खंड द्वितीय कोलकाता परेड का निरीक्षण करने हेतु निरीक्षण वाहन पर सवार। उनके साथ निरीक्षण वाहन पर सवार हुए खारवेल क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र प्राचार्य महोदय श्री गंगा शंकर, उप महानिरीक्षक और आज के परेड कमांडर आरक्षक प्रशिक्षणार्थी रविंद्र परिहार। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया, जिसका जवाब मुख्य अतिथि महोदय ने सहजता के साथ मुस्कुरा कर दिया, जो उनकी महानता को दर्शाता है।
अब निरीक्षण वाहन माननीय मुख्य अतिथि को लेकर धीरे धीरे निरीक्षण लाइन की ओर अग्रसर। Now. Articles to his credit. The inspection vehicle is now heading towards the smartly dressed companies, the head set high in the honor of the chief guest. The band is playing the tune Samman Guard. पहली कंपनी जिसका संचालन कर रहे हैं आरक्षक प्रशिक्षणार्थी दीपक कुमार। दूसरी कंपनी की कमान है आरक्षक प्रशिक्षणार्थी पंकज शर्मा के हाथों में। तीसरी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक प्रशिक्षणार्थी राहुल कुमार महाता। वहीं चौथी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक प्रशिक्षणार्थी अरविंद कारवाकर। रेड के मध्य में खड़ा है इस आरटीसी का ब्रास बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उपेक्षक कार्यपालक राजन कुमार दर्जी। स्मार्टली ड्रेस्ड कंपनी नंबर 6 कमांडेड बाय अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल संकेत पवार। कंपनी नंबर 7 इज अंडर द कमांड ऑफ अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल दिनेश यादव। Company number 8, standing in wonderful formation, is led by under training constable Nand Kishore Sharma. Company number 9, showcasing utmost discipline, is under the command of under training constable Purushottam Sinha. दाहिने तरफ की दर्शक दीर्घा ने करतल ध्वनि से अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और अब निरीक्षण वाहन पहुंच चुका है पुनः सलामी मंच के पास। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण करने की अनुमति दी। परेड कमांडर अगली कार्रवाई के लिए अपने स्थान की ओर अग्रसर। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय सलूक सलामी शस्त्र के दौरान राष्ट्र ध्वज के सम्मान में सभी खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
निर्माण टोली का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कार्यपालक ओमराज मीना, जिनके हाथों में है राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज के साथ हैं उप निरीक्षक कार्यपालक अजय केतन महापात्रा। आप देख रहे हैं निशान टोली में शामिल है राष्ट्रीय ध्वज और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ध्वज। यह वह गौरवपूर्ण क्षण है जिसका इंतजार हर प्रशिक्षणार्थी अपने बुनियादी प्रशिक्षण काल में होता है। आज वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अति पावन राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज के तले निशान स्पर्श करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। सभी प्रशिक्षणार्थी अब निशान को स्पर्श करते हुए ये वतन के रखवाले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बल ध्वज को साक्षी मानकर आज अपने देश की संपर्कता एकता एवं अखंडता तथा सर्व धर्म संभाव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यह वर्ण दिखता है इनके तेजस्वी चेहरों पर। कोच से भरी निशान टोली अति पावन राष्ट्रीय ध्वज शौर्य का परचम लहराता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ध्वज प्रशिक्षणार्थियों में जोश भरता हुआ। आज का यह गौरवान्वित करने वाला दिन जब राष्ट्रीय और बल ध्वज का स्पर्श इन प्रशिक्षणार्थियों के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना का जज्बा पैदा कर रहा है। आज से ये प्रणबद्ध है ये अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी सच्ची निष्ठा और निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। The Nishan Hockey Colors was presented to CISF on 10th March 1994 by the then Honorable Prime Minister of India, Shri P.V. Narasimha Rao. The colors reflect the spirit of a young gallant security force. The ivory white silk base represents industrial peace and professional integrity. The red band represents youth and daring to do. The section of flag enclosing the laurel leaves, word CISF and Ashoka emblem symbolizes the authority of the state, industry and CISF, the common objective. Out of these 6 ribbons, 3 inscribed first. The first is to Durgapur steel plant, wherein 1970 the first violent situation. The second is to the industrial accident at the Nagothane Petrochemical Complex, where 8 CISF personnel sacrificed their lives fighting a blaze in order to save the lives of those in danger. The third represents the remarkable performance of CISF at Cambodia during the United Nations peacekeeping operations. और अब प्राचार्य महोदय श्री गंगा शंकर उप महानिरीक्षक केआरटीसी मुरली द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। माननीय प्राचार्य महोदय, मैं सत्य निष्ठा से भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन राजभक्ति ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करने की प्रतिज्ञा ली। यही है वो गौरवपूर्ण क्षण जिसकी प्रतीक्षा हर प्रशिक्षणार्थी अपने बुनियादी प्रशिक्षण के द्वारा बेसब्री से करता है।
आपसे पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय सलूट के कमांड पर आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। जनरल ट्रॉफी की धुन पर अब प्रेम कंपनियों के कॉलम में युद्ध काजी के सामने से गुजरते हुए ये बहादुर नौजवान अपनी सीखी हुई ड्रिल संचालन की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करते थे। बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी परेड और सुंदर दीवार में सजी हुई कदम से कदम और चक्रों की कदम जाते हुए बढ़ी चली आ रही है मार्शिक एरिया की ओर और आत्मविश्वास। Thank you.
company number 5 is paying its compliments to the chief guest. Under the command of Officer 50. कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक पर्षद संकेत पवार अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का वही कंपनी नंबर 7 की बागडोर है आरक्षक देव यादव हाथों में के साथ अभिवादन किया मुख्य अतिथि और यह है कंपनी नंबर 8 आरक्षक रंग किशोर शर्मा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते मंच के सामने आगे बढ़ाए विश्वास के साथ मंच के सामने से गुजरती हुई और अब आखिरी कड़ी में कंपनी नंबर 10 इसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक अमन कुमार दास जोश के साथ जैसे थक गया हो टीआरसी मंत्री ने सदैव इन्हें कर्तव्य कराया याद दिलाया गया है कि आंधियां नहीं जिसमें उमंग रहती है छातियां जहां संगीनों से डरती है शोभित के बदले जहां अश्रु उभरता है वह देश कभी सवाल नहीं है वह देश कभी गुलाम नहीं है इनके प्रशिक्षण सराहनीय कार्य की मिसाल आप सबके सामने प्रस्तुत है सभी जवान कदम से कदम मिलाते हुए भारत की अखंडता में एकता के भाव को दर्शा रहे हैं एवं देश की सुरक्षा में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं इस पथ का उद्देश्य ही शांति मार्ग में टिके रहना इस पथ का उद्देश्य ही शांति मार्ग में टिके रहना किंतु पहुंचना सुखी मात्र till the nation is secure and the sovereignty and integrity of the nation is uncompromised. सबसे आगे हैं परेड कमांडर आरक्षक रविंद्र परिहार और उनके ठीक पांच चरण पीछे परेड क्वाइसी आरक्षक साहिल शर्मा सदे उन कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए कमांडर कॉपरेट क्वाइसी द्वारा एक साथ अभिवादन किया गया मुख्य अतिथि महोदय का और ये मंच के सामने से चलते हुए कंपनी नंबर 1 इसमें अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का इसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षक दीपक कुमार जोश के साथ दूसरी कंपनी के कमांडर आरक्षक
बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मंच के सामने और अब बड़ी चलिया कंपनी नंबर चार बहादुर है कंपनी नंबर 6 इज पेइंग इट्स कॉम्प्लीमेंट्स टू द चीफ गेस्ट कमांडर फ्लाइंग ऑफिसर संदीप पवार Number 7 is now approaching the dock. The commander is Captain Vikesh Yadav. Company number 8. हमारी प्रेम के बाद सच मध्य सच की कार्रवाई करती हुई पूरी प्रेम समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई प्रेम बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों का सरताज भारत परेड ने जनरल सलूट द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया डॉक्टर शिखर सहाय महानिरीक्षक उत्तर पूर्व खंड द्वितीय गणमान्य अतिथिगण इस प्रशिक्षण केंद्र के सभी अधिकारीगण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित सदस्यगण आरटीसी के सभी पदकर्मी एवं उनके परिवारजन
पास आउट होने वाले प्रशिक्षार्थियों के परिवारजन और हमारे प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, महोदय 39 वर्ष पूर्व सन 1986 में उड़ीसा के छोटे से शहर पारादीप में इस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2002 के सितंबर माह में इसे मुंडली के वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया था। यह प्रशिक्षण केंद्र सीआईएसएफ का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है और आज की यह पासिंग आउट परेड इस प्रशिक्षण केंद्र के गौरवशाली इतिहास की एक और स्वर्णिम कड़ी है, जिसमें कुल 918 जवान भाग ले रहे हैं। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आपके समक्ष 46वें आरक्षक जीडी बैच की कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है। लगभग 43 सप्ताह के सघन प्रशिक्षण के बाद 46वें बैच के लिए प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थी बल्कि सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए आज संपूर्ण रूप से तैयार हैं। आज के इस दीक्षांत परेड में भारत के लगभग सभी राज्यों के रहने वाले प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों में 35 जम्मू कश्मीर से, 93 बिहार से, 31 असम से, 83 झारखंड से, 113 उत्तर प्रदेश से, 33 आंध्र प्रदेश से, 41 महाराष्ट्र से, 149 पश्चिम बंगाल से, 32 तमिलनाडु से, 20 तेलंगाना से, 35 छत्तीसगढ़ से, 35 मध्य प्रदेश से, 87 राजस्थान से, 17 केरल से एवं 118 अन्य राज्यों से हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों में 18 पोस्ट ग्रेजुएट, 9 BCA, 28 BTEC और 303 ग्रेजुएट भी शामिल हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान इन्हें आंतरिक और बाह्य विषयों की व्यापक जानकारी आज की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। इंडोर विषयों में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी, मेट्रो रेलवे सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी, मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स, सर्वेलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन ड्यूटीज और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, CISF एक्शन रूल्स, क्रिमिनल लॉज, फायर फाइटिंग, इंटेलिजेंस, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स एवं जेंडर सेंसिटाइजेशन इत्यादि का भी पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। आउटडोर विषयों में ड्रिल और PT के अलावा इन्हें सभी आधुनिक हथियार जैसे इंसास, कार्बाइन, LMG, AK-47, 9mm पिस्टल, क्लॉक पिस्टल और MP5 के अतिरिक्त ग्रेनेड एवं मोर्टार आदि का भी व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेड, एम्बुश, काउंटर एम्बुश, मैप रीडिंग, नाइट नेविगेशन, पोस्ट प्रोटेक्शन, बैटल क्राफ्ट एवं फील्ड क्राफ्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इन्हें दी गई है। आज इस अविस्मरणीय अवसर पर इन प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ इस ट्रेनिंग सेंटर के सभी अधिकारी और सभी बलकर्मी, जिनके अथक और समर्पित प्रयासों के कारण ये समारोह इतना उत्कृष्ट स्तर का हो पाया, मैं उन सभी की सराहना करना चाहता हूं। मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजनों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर यहां प्रशिक्षणार्थियों का इस महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय मौके पर उनका उत्साह बढ़ाया है, उनके साथ शामिल हुए हैं। महोदय, आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों के लिए अत्यंत प्रोत्साहक है एवं एक गौरवमय क्षण है। इस प्रशिक्षण केंद्र के सभी सदस्यों की तरफ से आज इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अंत में मैं आज पास आउट होने वाले इन सभी युवा आरक्षकों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।
ये कर्मठ और सौभाग्यशाली विजेता मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार पाने हेतु मंच की ओर अग्रसर। प्रशिक्षण काल में और पूर्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 744 में से 610 अंक अर्थात 82% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया। और दो देश की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक राहुल कुमार माता। आरक्षक कुलदीप सिंह, इन्होंने प्रशिक्षण काल में इंदौर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 400 में 343 अंक अर्थात 86% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया। इंदौर बेस्ट की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक कुलदीप सिंह। आरक्षक विभिन्न खटीक, इन्होंने प्रशिक्षण काल के दौरान चांद मारी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें कुल 144 में से 126 अंक अर्थात 87% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया। फायरिंग बेस्ट की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक विभिन्न खटीक। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी की, जो है आरक्षक संकेत पवार। इनका 46वें बैच के प्रशिक्षण के दौरान हर क्षेत्र में प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा। इन्होंने कुल 1344 में से 1046 अंक अर्थात 78% अंक प्राप्त किए। ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक संकेत पवार। आज की परेड के परेड कमांडर आरक्षक रविंद्र परिहार, इन्होंने आज के भव्य दीक्षांत समारोह परेड की अगुवाई करते हुए परेड को शानदार और मनोहारी रूप से प्रस्तुत किया। इसके लिए परेड कमांडर की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक रविंद्र परिहार।
जता पीछे मुड़, जता हट से। 46वें बैच की बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट कंपनी डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस की कैटेगरी बेस्ट कंपनी इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की कैटेगरी में प्रिंसिपल स्क्वायर प्राप्त हुआ एक कंपनी को। प्रिंसिपल स्क्वायर ग्रहण करेंगे एक कंपनी के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर इंटीग्रिटी जयदेव पांगी एवं स्टेशन प्रधान आरक्षक ए साकिया। Now, I request Sri Gaurav Shankar, PIIT Principal, KRTC Mumbai, to kindly present a memento to our Honorable Chief Guest, Dr. Shikhar Sahar, Inspector General, Northeastern Sector 2, Kolkata, as a token of remembrance. Thank you, sir. Now, I request our Honorable Chief Guest, Dr. Shikhar Sahar, Inspector General, Northeastern Sector 2, Kolkata, to kindly address the gathering on this occasion. Honorable Chief Guest. अन्य अतिथिगण, मीडिया कर्मी, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों, केआरटीसी बुंदली के समस्त अधिकारीगण, बल कर्मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे 46वें बैच कांस्टेबल जीडी बेसिक कोर्स के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता है। किसी भी बल सदस्य के ट्रेनिंग के लिए जो पासिंग आउट परेड है वो एक महत्वपूर्ण समय होता है, एक महत्वपूर्ण ओकेजन होता है जो पूरे ट्रेनिंग के दौरान पूरी अवधि के में जो उसने मेहनत और कठोर परिश्रम और तपस्या किया है वो उसका परिणाम होता है। इस भव्य परेड के लिए मैं पूरे बैच के ट्रेनीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। साथ में आरटीसी मुंडली के पूरे स्टाफ और ट्रेनर्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूं जिनके मेहनत और परिश्रम से यह संभव हो सकता है। ये अत्यंत हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। आज ये सभी ट्रेनीज शपथ लेकर सीआईएसएफ में शामिल होने जा रहे हैं और इस एलीट मल्टी स्किल फोर्स के फील्ड यूनिट्स में अपने सेवाएं प्रदान करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है सीआईएसएफ का जन्म 1969 में हुआ था, 1969, 3000 के स्कंड से, 3 बटालियन से, और अभी 2024 में इसका स्ट्रेंथ तकरीबन 180,000 क्रॉस कर चुका है। तो 3000 से 180,000 यानी 55 साल की अवधि में इस फोर्स ने 55 गुना से भी अधिक 60 गुना बढ़ोतरी की। ये किसी भी मापदंड या स्टिक पैरामीटर से एक इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम नंबर ऑफ
यूनिट्स ऑफ बटालियंस की बात करें तो इस फोर्स की शुरुआत 3 बटालियंस से हुई थी और आज 350 से भी अधिक यूनिटों में डिप्लॉयड है, तो 100 गुना यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई है। आज सीआईएसएफ विभिन्न अंडरटेकिंग्स और यूनिट्स में डिप्लॉयड है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, स्पेस सेक्टर, स्टील प्लांट, कोल माइंस, पावर, ऑयल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मेट्रो इत्यादि। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सीआईएसएफ की 2 बटालियन कार्यरत है। वीआईपी सिक्योरिटी का भी हमारा एक यूनिट है। तो सही माने में ये मल्टी स्किल फोर्स है। अगर सीआईएसएफ के एक्रोनिम की तरफ हम देखें तो इसका नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर इसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाए तो वो सही होगा, क्योंकि आज देश के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीआईएसएफ की तैनाती है। आप लोगों को पता होगा आपसे कुछ महीने पहले हमारे देश के पार्लियामेंट में सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेंट हो गई है रेगुलर बेसिस पर। किसी भी देश का पार्लियामेंट उसका सॉवरेंटी, उसके संप्रभुता के प्रतीक और ऐसे संस्थान को गार्ड करने की जिम्मेवारी जो सीआईएसएफ को मिली है वो हमारे लिए एक क्राउनिंग ग्लोरी है। यहां पर ये सब उपलब्धियां हुई हैं उन लोगों के कारण हुई है जिन लोगों ने मेहनत करके इस फोर्स को यहां तक पहुंचाया है। जब भी देश को किसी तरह की बहुत बड़ी सुरक्षा की जरूरत हुई है सीआईएसएफ ने उसे पूरा किया है। जब कांदार हाईजैक और 9/11 हुआ तो सीआईएसएफ को एयरपोर्ट सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। जब लंदन मेट्रो ब्लास्ट हुआ तो सीआईएसएफ को फिर दिल्ली मेट्रो में लाया गया। जब रेडफोर्ट पर अटैक हुआ तो सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर की गई है, जैसे कि ताजमहल इत्यादि। जब 26/11 हुआ तो सीआईएसएफ की डिप्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी की गई सीआईएसएफ के एक्ट में संशोधन लाकर, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है और उनके भी क्रिटिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जहां तक हम उपलब्धियों की बात करें ये भी जरूरी है कि जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी हम पूरी तरह से अवगत रहें। टेररिज्म, लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म और अलग अलग तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस जो देश में पहले से हैं, नए नए चैलेंजेस भी आए हैं जैसे एरियल थ्रेट और नए नए तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है और अपने जो नॉलेज और स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। टेक्नोलॉजी आज के समय एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सीआईएसएफ एक टेक सेवी फोर्स है और हमें प्रशिक्षण के दौरान भी इस ट्रेनिंग सेंटर में और अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है और हमारे लिए जरूरी है कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके तरफ ध्यान दें, ताकि हम जो विघटनकारी तत्व हैं, जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनसे एक स्टेप आगे रहें। और सबसे जरूरी ये है कि जहां पर हम अपने कोर स्किल्स में मजबूत रहें, हम अपने ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट को भी ना भूलें। हम बॉर्डर पर नहीं तैनात हैं, हम अपने ही लोगों के बीच में तैनात हैं। तो जहां तक हमें सुरक्षा के नियमों को सख्ती से एनफोर्स करना है, ये भी जरूरी है कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं पब्लिक के साथ तो हम ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन बिहेवियर के एंगल को भी ना भूलें, क्योंकि हम अपने ही नागरिकों के साथ करते हैं। सीआईएसएफ का सबसे अधिक काफी अधिक पब्लिक इंटरफेस है और इस चीज को हमें नहीं भूलना है। मेरा इशारा सॉफ्ट स्किल्स की तरफ, जहां पर हमारा कोर स्किल्स जरूरी है वहां पर हमारे लिए सॉफ्ट स्किल्स भी
ह्यूमन बिहेवियर स्किल्स भी उतना ही जरूरी है। और ये चीज सीआईएसएफ ने पिछले 55 साल में बखूबी निभाया है, वो बैलेंस किया है अपने कोर स्किल्स, सिक्योरिटी स्किल्स जो हमारा बेसिक है, और साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स। और शायद एक वजह यह भी है सीआईएसएफ की सफलता की। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आरटीसी के ट्रेनिंग और ट्रेनर दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके जो गार्जियंस हैं, जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं यहाँ आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि कहीं पर आपके मोटिवेशन, आपके आशीर्वाद के कारण आपके बच्चे आज इतने शानदार प्रदर्शन किए हैं, और भगवान चाहेगा तो आगे भी शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। परेड कमांडर निष्कर्मण की अनुमति लेने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर। तैयार है किसी भी चुनौती को स्वीकार करें।
नचने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली धीरे धीरे बड़ी चली बड़ी चली चौथी चिंगारी चौथी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी चाली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली
नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार, लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल, माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में, बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख, भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख, लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ, ये दुनिया पार, लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले bam bam bole bam bam bole bam 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 bole शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल, माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में, बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख, भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख, लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ, we'll be right back.
अब बम बोले बम बम बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम के लगा ले तू भी दम फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नाम बोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ चले
वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना दान चले ओ
Yeah.
ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 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 ਨੀ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 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 ਨੀ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 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 ਨੀ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਵਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਹੌਲੀ 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 ਨੱਚ ਬੱਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਹੌਲੀ 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 ਨੱਚ ਬੱਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੁਰਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ